bye हेलो एवरीवन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एफ पी एग्जाम पेपर तो जैसा कि आपको पता है कि हमने सी एच एस एल टू जीरो टू फोर एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू की है मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू की शुरू की है जिसमें आपको पता है कि हमने दो मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम तीसरा मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं आशा करता हूं कि इन मॉक टेस्ट के थ्रू आपको बहुत सारी मदद मिल रही होगी हेल्प मिल रही होगी चीज़ों को समझने में एग्जाम पैटर्न को समझने में आपका कंसेप्ट को समझने में तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए आपको इस तरीके की हेल्प मिलती रहेगी तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना थर्ड मॉक टेस्ट चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सो एंटोनिम क्या दिया है उसने हमें मीगर एंटोनिम वर्ड दिया है उसने हमें एम ई ए जी आर ई मीगर का क्या मतलब होता है बच्चों मीगर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है वेरी लिटिल वेरी लिटिल यानी कि मतलब ना के बराबर बहुत कम जो हो उसको कहते हैं अब बहुत कम के लिए इसने क्या बोला इसका एंटोनिम बताना है एंटोनिम क्या होता है इसका अपोजिट वर्ड होता है तो अपोजिट वर्ड इसमें देख लेते हैं प्लेंटीफुल क्या होता है ऑब्वियसली इसका अपोजिट तो प्लेंटीफुल ही हो जाएगा स्केर्यर्स का मतलब क्या होता है कम ही होता है कॉमन का मतलब सेंस बनेगा नहीं माइनर का मतलब सेंस बनेगा नहीं सो प्लेंटीफुल इसका क्या हुआ बच्चों अपोजिट हुआ तो मीगर का अपोजिट आंसर हमारा क्या हुआ प्लेंटीफुल प्लेंटीफुल मतलब होता है इन अ लार्ज अमाउंट चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आई सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अब ये जो है ये वन वर्ड सब्सिट्यूशन का क्वेश्चन है हमारा पूरा एक सेंटेंस पढ़ेंगे उस पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग क्या होता है वो हमें इसमें से बताना है वन हु डज़ नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक्स ठीक है एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी कोई अल्कोहलिक ड्रिंक उसने पी ही नहीं है या लेता ही नहीं है उसने कभी उसने देखा भी नहीं है बोला भी नहीं है कहने का मतलब है सिंपल सीधे शब्द में कहा जाए तो आज तक उसने एल्कोहलिक ड्रिंक ना लिया हो ऐसे व्यक्ति को वेजिटेरियन कहते हैं तो आपको पता है नहीं वेजिटेरियन वो होते हैं जो फ्लैश नहीं खाते ठीक है फोर्स टेलर स्टेलर क्या होता है जो पहले से ही एडवांस में चीजों को कर कर रखता फोर्स है उसे फोर स्टॉलर कहते हैं टी टोटलर इसका आंसर है टी टोटलर वो व्यक्ति होता है जो कभी भी एल्कोहल को हाथ नहीं लगाता एल्कोहल को पीता नहीं है ना छूता है उसको हम टी टोटलर हैं सेंट आप जानते ही हो सेंट जो होता है वो संत होता है अच्छा टी टोटलर के बाद एक वर्ड और होता है एबस्टेनर मतलब इसका ये सेम नहीं है मैं बता रहा हूं एपस्टेनर भी एक वर्ड होता है एप्स्टेनर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी चीज़ को अपनी हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से छोड़ देता है जैसे कोई ड्रिंक करता है अगर वो नहीं कर रहा है तो वो टी टोटलर नहीं है ऐसा नहीं है कि उसने कभी पी नहीं है पीता है बट वो लिमिटेड पीता है या लिमिटेड चीज़ें खाता है किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए तो एप्सटेनर इज़ अ डिफरेंट वर्ड देन टी टोटलर टी टोटलर कभी भी नहीं करता एप्स्टेनर कभी कभी करता ठीक है चलिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें एक वर्ड भरना है आपको क्वेश्चन क्या है द मदर केप्ट हिज सन्स क्लोथ्स नीटली अरेंज इन द अब यहां पर इस चार वर्ड्स में से भरना है सिंपल है आपको पता है गोडाउन में तो यहां सेंस आएगा नहीं गोडाउन में कपड़े नहीं रखे जाते अनाज या बहुत बड़ी चीजें रखी जाती हैं वेयर हाउस में भी नहीं रखा जाता और लार्डर जो होता है वो हमारा एक तरीके से क्या होता है एक ऐसा घर में एक ऐसा जगह होती है जहाँ पर हम अपने खाने पीने का सामान रखते हैं एक तरीके से पेंट्री मान लो आप या किचन मान लो आप तो ये भी नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या बनेगा वार्डरूब वार्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कपड़ों को सेफ जगह पर रखा जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड अब देखो मिस स्पेल्ट भी आएगा आपके उसमें तो आपको इसमें से रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड आपको देखना है अब देखो एकोमोडेट की स्पेलिंग देखो ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई सही है एक्वायर की भी सही है एम एचर्स की भी सही है ठीक है इन तीनों की स्पेलिंग सही है सिर्फ एक्सीडेंटली की गलत है अब ज़्यादातर बच्चे कहेंगे सर एक्सीडेंटली की तो यही स्पेलिंग होती है लेकिन तुम ध्यान से देखना एक्सीडेंटली की स्पेलिंग ये कभी नहीं होती एक्सीडेंटली की स्पेलिंग होती है ए डबल सी आई डी ई एन टी ए एल वाई होती है एक्सीडेंटली इसमें ए का मिसिंग है तो so, एक्सीडेंटली ध्यान रखें कि एक्सीडेंटली में ए एल वाई होता है ना कि गायब होता है उसमें से तो ये हो जाएगा एक्सीडेंटली ए के साथ लिखना है हमेशा ध्यान रखें पेपर में कई बार पूछा जाता है तो आंसर हुआ हमारा एक्सीडेंटली ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अब आपको ये जो वर्ड है चाफ ठीक है ये जो वर्ड है इसका आपको सिनोनिम बताना है चाफ वर्ड का मतलब एक्चुअल में टू इरिटेट होता है टू इरिटेट सो इरिटेट का तो आंसर दिया ही हुआ है ये रहा आंसर प्लीज नहीं होता है हील नहीं होता काम नहीं काम का मतलब शांत होता है हील का मतलब कोई चीज भर जाना होता है जैसे चोट लगी वो हील हो गई प्लीज का मतलब किसी को खुश करना होता है तो इसका मतलब नहीं आपको मतलब होता है किसी चीज को इरिटेट करना चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट एफरेटेड एंटोनिम ठीक है एंटोनिम पूछा गया है इसमें भी सिनोनिम पूछा था अब यहां पूछा गया एंटोनिक अब वर्ड है हमारा रिट्रोस्पेक्शन सबसे पहले तो ये ध्यान रखें जो तो री वर्ड होता है उसका मतलब होता है अगेन या बैक ठीक है सो कोई भी चीज अब इंट्रोस्पेक्शन से ही रिट्रोस्पेक्शन बनाए इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है किसी चीज को सोचना इंट्रोस्पेक्ट करना अपने मन में किसी को चीज का मनन करना अब री लगने से दोबारा सोचना है दोबारा मनन करने को कहते हैं तो रिट्रेस्पेक्शन होता है कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस experience, पुराने एक्सपीरियंसिस पुराने जो आपने एक्शंस किए उनके बारे में दोबारा में सोचने को रिट्रेस्पेक्शन कहते हैं और उसी का दूसरा वर्ड रिकन्सिलेशन भी होता है रिकंसिलेशन बाकी रिट्रीब्यूशन का मतलब रिवेंज होना होता है रिटेलिएशन का मतलब भी रिवेंज होता है और रिग्रेशन का मतलब भी किसी चीज को दोबारा ही करना होता है ठीक है तो ये बात समझ में आई तो इसका हम सिनोनिम जो होगा वो होगा हमारा रिकन्सिलेशन नेक्स्ट चलिए अभी आ गया आपका अरेंजिंग द स गिवन बिलो आर फोर जम्बल सेंटेंसिस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द वन दैट गिज देयर करेक्ट ऑर्डर तो ये क्या हुआ हमारा ये jumbled sentences हुआ अब आपको सबको पता है कि jumbled sentences में हमें क्या करना होता है पूरे पैराग्राफ को सेंटेंसेस के थ्रू सीक्वेंस में रखना है तो so, सीक्वेंस में रखने के लिए आप समझ लो इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं ए बी डी सी और ये जो ऑप्शन दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग इनका सीक्वेंस बताना है अब देखिए यहाँ पर आया आपका डिस्पाइट द डिस्पाइट से सेंटेंस शुरू नहीं होगा इट का यूज़ हो गया तो यूज़ नहीं होगा सरेंडर एट डेक का एम्स तो सरेंडर किसी ने किया होगा तो ये भी शुरू ना तो हमारा जो सबसे पहली वर्ड बनता है नाइनटीन सेवेंटी वन वॉर चेंज द पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तो ये हमारा ए बन गया तो ए में देख लो ए ए ए यानी कि क्या तो बी से हमारा आंसर शुरू नहीं हो सकता इन तीनों में से होगा तो हो गया नाइनटीन सेवनटी वन वॉर चेंज द पॉलिटिकल जियोग्रफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अब इसी वॉर को इसने इट बोला है तो ए के बाद डी आ गया तो ए के बाद डी देखो ये रहा अब आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमारा आंसर बन गया ए डी बी सी अब पढ़ के भी देख लेते हैं नाइनटीन सेवेंटी वन वॉर चेंज द पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इट ऑल्सो प्रोफाउंडली अल्टर द जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इन साउथ ईस्ट एशिया डिस्पाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट देर हैज बीन नो सीरियस बुक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट सरेंडर एट डेका एम्स टू फिल दिस कैप अच्छा ए डी उसमें भी है बच्चों तो दो ऑप्शन हैं हमारे तो ये और ये खत्म हो गए अब या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए तो ए डी ए डी दोनों में सेम है अब चेक कर लेते हैं कि ए डी के बाद बी आना चाहिए सी आना चाहिए तो ऑब्वियसली ए डी के बाद सी आना चाहिए तो ये हो गया ए डी सी बी ठीक है इट ऑल्सो प्रोफाइंड टू एल्टर द जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इन साउथ ईस्ट एशिया सरेंडर एट एम्स टू फिल दिस गैप डिस्पाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द तो ये इससे कनेक्ट हुआ ये इससे कनेक्ट हुआ और ये इससे कनेक्ट हुआ तो हमारा आंसर बन गया ए डी सी बी बात समझ में आती है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रेट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस वेरी इजी अगर इसके आपको चेंजेस पता है ना बच्चों तो ये बहुत इजी होता है करना अब देखो अमित सेड टू हिम तो ये सेड टोल्ड में चेंज हो जाएगा जब इसका आंसर आएगा नीचे और आई हैव नॉट इनफ मनी तो हैव की जगह क्या हो जाएगा हैड अब यही दो चेंज देख लो सैड वाला नहीं हो सकता तीन में टोल्ड है तो अब इसमें देख लो हेड किस में है ये रहा हेड ये रहा हेड तीनों में हेड दे रखा है और क्या चेंज करें नाव नाव किस में चेंज हो जाएगा देन में चेंज हो जाएगा <coughs> तो इसमें देन है तो ये सेड की वजह से गलत हो गया ये नाव की वजह से गलत हो जाएगा इसमें देन है ही नहीं तो देखो देन आंसर ये रहा हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर मिल गया अमित टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट इनफ मनी इन हिज पॉकेट देन तो चेंजेस याद रख लो ये टोल्ड हो गया ये हैड हो गया ये देन हो गया ये तीनों चेंजेस जिसमें मिल जाएंगे आपको वही आपका आंसर होगा ये रहा टोल्ड ये रहा हैड और ये रहा आपका देन तो तीनों हैं इसमें तीनों नहीं है टोल्ड तो है हैड तो है बट देन नहीं है इसमें टोल्ड तो है हेड तो है बट इसमें नाव है इसमें सैड है तो टोल्ड ही नहीं है तो ये तीनों गलत हो गए ये हमारा आंसर बन गया सो वेरी इजी अगर आपको चेंजेस पता पताएं तो आप इसे बहुत इजीली कर लो चलिए नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिप्रेट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इडियम है इडियम ध्यान से देख लें ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली जब आपको लगता है कि कोई चीज शुरू शुरू में आपने कोई चीज़ ली और आपको लगा कि यार ये तो किसी काम की है ही नहीं ठीक है ये बेकार है लेकिन अचानक आपको पता लगता है कि यार ये तो बड़े काम की चीज़ थी या तो ये तो बड़े काम की चीज़ है तो उसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सो हिडन ट्रेजर तो नहीं होगा ए गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट ये रहा इसका आंसर शुरू में वो आपको खराब लगी हो लेकिन एक्चुअल में वो बहुत अच्छी थी ठीक है सो so, हमारा आंसर यहाँ पर भी होगा चलिए नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड अब देखो यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड देख लेते हैं सो so, अकोमोडेट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई यही अकोमोडेट की स्पेलिंग होती है बिजार की स्पेलिंग भी ठीक है बी आई जेड ए डबल आर ई बिजार में कभी कभी आपको क्या गलत करके देगा डबल जेड लगा के दे देगा सो so, बिजार में डबल जेड नहीं आता डबल आर आता है सिर्फ ये ध्यान रखेंगे तो बिजार इज ऑल्सो करेक्ट कॉन्स्यूश की स्पेलिंग सी ओ एन एस सी आई ओ यू एस भी ठीक है इसका मतलब है कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है सो बेसिकली ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं ध्यान रखें कि कैलेंडर के में ई e नहीं आता कैलेंडर में ए आता है तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी सी ए एल ई एन डी ए आर कैलेंडर ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चा कन्फ्यूज रहता है इस चीज़ के अंदर तो ये ध्यान रखें अपना कि कैलेंडर में लास्ट में ई नहीं कैलेंडर में लास्ट में ए आता है गॉट इट चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द अलग से करेक्ट स्पेल हैरेस अब आपको बताया कि हैरेस जो होता है उसकी स्पेलिंग एच ए आर डबल ए एस नहीं होती एच ए डबल आर ए डबल एस नहीं होती डबल आर आता ही नहीं हैरेस में एच ए आर ए डबल एस ये इसका आंसर सही है ये भी गलत है आपको ध्यान रखना है एच ए आर ए डबल एस सो इसमें डब ना तो डबल आर आता है ना डबल ए आता है सिर्फ एक ही डबल होता है वो होता है डबल एस तो हैरिस का जो सही स्पेलिंग है वो एच है एच ए आर ए डबल एस गॉट इट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इफ नो सब्सट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्ट्यूशन अब जो इसने ये जो वर्ड अंडरलाइन किया है ना ये फ्रेज अब वो कह रहा है कि इसकी जगह इन चारों में से सही जो आपको लगता है कि इसकी जगह पर ये होना चाहिए उसको करो सो ही डिड हिज वर्क गुड एज ही वॉज अ गुड वर्कर तो आप अगर आंसर जानते हो तो अच्छी बात है नहीं तो मैं इसका बता देता हूँ नो सब्स्ट्यूशन तो नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा ये नहीं आएगा वेल well. अब तुम कहोगे सर गुड और वेल में फ़र्क ही क्या है तो यही मैं डिफरेंस समझा देता हूँ ध्यान रखें गुड वर्सेस वेल को अगर मैं समझाना शुरू करूँ आपको तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि ये जो गुड होता है ना ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है ठीक है और ये जो एडजेक्टिव होता है एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली ये दोनों तरीके से यूज हो जाता है बच्चों इंग्लिश के अंदर गुड प्योर एडजेक्टिव है चाहे इसको एट्रीब्यूटिवली यूज करो या प्रेडिकेटिवली यूज़ करो ये दोनों तरीके से अब तुम तो मैं सब ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे सर एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिवली क्या होता है तो मैं समझा देता हूँ एट्रीब्यूटिवली होता है जब किसी एडजेक्टिव uh, को किसी नाउन से पहले रखकर उसको हम यूज़ करते हैं तो जैसे मैंने बोला ही इज़ अ गुड बॉय अब ये जो गुड है ना मैंने इस नाउन से पहले रखकर इसको यूज किया है तो इसकी पोजिशन एट्रीब्यूटिवली गई क्योंकि नाउन से पहले रखकर उसको एट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन इसी को मैं लिखूं ही इज गुड तो अब देखो इतना भी लिख सकता हूं और इसके आगे कोई नाउन नहीं लिखा हुआ है सो दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव प्लेस सो गुड को चाहे हम एट्रीब्यूटिवली रखें चाहे हम प्रेडिकेटिवली रखें दोनों तरीके से ठीक होता है और दोनों ही केसेस में ये एडजेक्टिव होता है पहली बात क्लियर रखें बात करें अगर हम वेल well की तो वेल इंग्लिश में एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है बात समझ में आ रही है सो so, वेल का यूज़ अगर एडजेक्टिव की तरह करते हो आप तो इसको हमेशा ध्यान रखें ओनली प्रेडिकेटिवली यानी कि मतलब जिस तरीके से गुड को आप एट्रीब्यूटिवली भी यूज़ कर सकते हो उसी तरीके से वेल को सिर्फ आप प्रेडिकेटिवली यूज कर सकते हो इसके आगे नाउन नहीं आ सकता जैसे मैंने लिखा He is a well boy. तो देखो ये गलत हो गया इसको आप लिख ही नहीं सकते ऐसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो He is a boy who is well। या तो ऐसे लिख लो क्योंकि इसको ही नहीं तो आप सीधा ही लिखो He is well। ऐसे भी लिख सकते हो तो दोनों ही तरीके से इसे सिर्फ और सिर्फ हम कैसे लिख सकते हैं प्रेडिकेटिवली लिख सकते हैं तब ये एडजेक्टिव का, का काम कर सकता है अच्छा अगर आपको एडवर्ब किसी एक्शन को डिफाइन करवाना हो तो एक्शन को आप गुड से डिफाइन नहीं करवा सकते बिकॉज गुड प्योर एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव सिर्फ नाउन को डिफाइन करते हैं अगर आपको किसी एक्शन को डिफाइन करवाना है तो फिर वो सिर्फ वेल well ही कर सकता है बिकॉज वेल एडवर्ब होता है और एक्शन को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब ही लिखे जाते हैं जैसे मैंने लिखा ही डिड या ही वर्क गुड अब देखो ध्यान से ही वर्क गुड यहां पर ये यह जो गुड यूज हुआ है हमें मालूम है चाहे एट्रीब्यूटिवली हो चाहे प्रेडिकेटिवली हो करेगा अपने नाउन को ही डिफाइन सो so, यहां पर गुड क्या है उसका वर्क या ही तो आप कहोगे सर उसका वर्क तो ये नाउन तो है नहीं वर्ब है अब वर्ग को डिफाइन करने के लिए एब्जेक्टिव नहीं लिखा जा सकता वर्ग को डिफाइन करने के लिए तो सिर्फ एडवर्ब लिख सकते हो अब गुड का सब्सट्यूज क्या होता है वेल होता है तो ही वर्क वेल तो आपको यह ध्यान रखना है जब भी किसी एक्शन को डिफाइन करवाओ तो वहां गुड नहीं वहां वेल well लगाया करो अब इस क्वेश्चन में भी यही बात की गई है क्या ही डिड हिज वर्क अब यह जो गुड है किसको डिफाइन कर रहा है उसके वर्क को अगर उसके वर्क को डिफाइन कर रहा है तो यह गलत हो गया ठीक है मतलब वर्क को डिफाइन कर रहा है तो वर्क तो यहां नाउन है अगर ये वर्क को डिफाइन कर रहा होता तब तो गुड तो ठीक था लेकिन यह उसके करने के एक्शन को डिफाइन कर रहा है ही डिड इज वर्क हाउ उसने अपना काम कैसे किया तो ये जो हाउ का आंसर है ना ये वर्ब को ही डिफाइन करते हैं तो ये उसके एक्शन को डिफाइन कर रहा है डिड को तो यहाँ गुड नहीं आ सकता यहाँ क्या आएगा वेल well. तो ये जाए ही डिड हिज वर्क वेल ही डिड हिज वर्क वेल तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है ये इसका लॉजिक है जो आपकी समझ में आई होप आ गया होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट दोट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें जो आपको लिखना है वो मोस्ट अप्रोप्रियड यहाँ पर फीलिंग्स में क्या आना है इनमें से वो आपको देखना है वन शुड नॉट लूज हार्ट इन टाइम्स ऑफ एक व्यक्ति को अपना हिम्मत या अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए कैसे समय में इनएक्टिविटी में तो इनएक्टिविटी तो क्या होता है जब आप कुछ कर नहीं रहे हो तो उसमें हार्ट खोने वाली क्या बात है या हिम्मत खोने वाली क्या बात है एडवर्सिटी होती है परेशानी तो ये आंसर हो सकता है डिफॉर्मिटी भी नहीं आएगा और डाइवर्सिटी भी नहीं आएगा तो एडवर्सिटी मतलब परेशानी या तो दिक्कत तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा एडवर्सिटी दिस वन आर आंसर वॉट इट चलिए नेक्स्ट देखिए अब आ गया हमारा कॉम्प्रहेंशन इसको कहते हैं हम क्लोज टेस्ट तो आपको ऐसा एक पैसेज देगा उस पैसेज के अंदर में ही आपको पांच फीलिंग्स दे देगा और हर फीलिंग्स का आपका आपका क्या होगा ऑप्शंस दिए होंगे चलो देखते हैं ईच चाइल्ड डिजर्व लव एंड केयर द चाइल्ड हु इज डैश फॉर वट ही इज अब ये कह रहा है कि पहले पढ़ लेते हैं इसको पूरा ईच चाइल्ड डिजर्व लव एंड केयर द चाइल्ड हु इज डैश फॉर वट ही इज इवन इफ इज स्लो और डैश विल ग्रो विद कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ ही विल डैश द एबिलिटी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द डैश विच कम्स इज वे एंड मेक लाइट ऑफ एनी डैश दैट मे पोज डिफिकल्टीज इन पास सो ये पैसेज दिया हुआ है किसी बच्चे के बारे में उसके बारे में दिया हुआ है कि भाई बच्चा जो होता है वो प्यार और केयर डिजर्व करता है चाहे कैसी भी सिचुएशंस हो ठीक है तभी वो जाकर चीज़ों को जीवन में आगे ले जा पाता है तो चलिए देखते हैं पहला ईच चाइल्ड लव एंड केयर द चाइल्ड हु इज डैश फॉर वट इज इवन इफ इज स्लो सो रिव्यूड तो आएगा नहीं रिव्यूड का मतलब डांटना होता है जियर्ड का मतलब भी नहीं आएगा थैंगड का मतलब नहीं आएगा अप्रिशिएटेड तो इसका मतलब है कि अप्रिशिएटेड इसका आंसर है वो कह रहा है ईच चाइल्ड लव एंड केयर द चाइल्ड हु इज अप्रिशिएटेड फॉर वट इज द चाइल्ड जो बच्चा को अप्रिशिएट किया जाता है जैसा वो है उसके लिए ही इज स्लो और इवन ही स्लो और क्लैवर नहीं हो सकता केपेबल क्योंकि स्लो है स्लो नेगेटिव वर्ड है तो और के साथ नेगेटिव नेगेटिव ही जुड़ेगा तो स्लो क्लेवर नहीं होगा कॉटियस नहीं होगा केपेबल नहीं होगा या क्लमसी नहीं तो ये जो है ना ये वाला ये वाला ये वाला सब पॉजिटिव वर्ड ने नगेटिव के साथ पॉजिटिव नहीं जुड़ेगा क्योंकि हमारे पास कंजंक्शन और है तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा क्लमसी को हम ले सकते हैं क्लमसी का मतलब होता है बहुत धीमा स्लो क्लमसी आलसी इस टाइप में ठीक है तो और क्लम्पसी विल ग्रो विद कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ वो भी बच्चा क्या होता है कॉन्फिडेंस से ग्रो होता है ही विल डैश द एबिलिटी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द ही विल मेंटेन कंसीडर कंसील या डेवलप क्या हो जाएगा ही विल डेवलप द एबिलिटी एबिलिटी को डेवलप किया जाता है तो ये हमारा आंसर हो गया डेवलप द एबिलिटी टू मेक द यूज ऑफ ड्रीम्स अपॉर्चुनिटीज फेवर्स या थ्रेट्स तो आप सबको पता है यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज मौकों का यूज कर लेता है विच कम हिज वे एंड मेक लाइट ऑफ एनी डैश दैट मे पोज डिफिकल्टीज इन पाथ एनी डैश का मतलब कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा इन्फ्यूजन्स नहीं हो सकता इन्फ्यूजन्स का मतलब किसी चीज़ को इन्फ्यूज करना किसी में प्रोबिशंस नहीं होगा हैंडी हो जाएगा हैंडी क्यों हो जाएगा हैंडी का मतलब होता है बाधा कोई हर्डल सो so, यहाँ पर एक चीज़ और है एनी जो है ना एनी सिंगुलर होता है और यहाँ हैंडी जो है वो सिंगुलर है अब इसमें ये जो एस लगा हुआ है ना इसको प्लूरल मत मान लेना ये पूरा एक वर्ड है जिसका मतलब बाधा होता है वो हैंडी कैप्स अलग होता है जिनके पैरों में या हाथ पैरों में कोई दिक्कत होती है विकलांग जो होते हैं वो अलग वर्ड है ठीक है यहाँ पे हैंडी कैप्स का मतलब है बाधा होना तो ये हमारे पाँचों के पाँचों ऑप्शन हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लेवियाथन बहुत अच्छा वर्ड है पेपर में पूछा गया है ये लेवियाथन क्या होता है तो so, लेवियाथन के बारे में बता देता हूँ लेवियाथन जो एक है वो एक मतलब अगर हम फिक्शंस में जाएँ तो फिक्शंस का एक बहुत बड़ा समुद्री जीव को ले, लेवियाथन कहते हैं ठीक है बहुत बड़ा समुद्री जीव है लेकिन यहाँ पर लेवियाथन का मतलब बहुत ज्यादा समुद्री जीव नहीं है इसका मतलब है वेरी लार्ज इसका मतलब क्या होता है वेरी लार्ज और इसमें पूछा गया है सिनोनिम तो so, इनसिग्निफिकेंट तो इसका अपोजिट हो गया मिनीस्क्यूल छोटा होता है कोलोजल होता है कोलोजल का मतलब होता है बहुत बड़ा कोलोजल मैमथ ये सब क्या होते हैं इनका मतलब होता है लार्ज इन साइज कॉमन भी नहीं हो सकता तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा क्लोजल सिनोनिम पूछा है तो सेम आंसर होगा गॉट इट चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस इसकी पैसिव फॉर्म बनानी है आपको सो so, सिंपल सा है ही सेज दैट ही डिड दैट तो सब्जेक्ट ये हो गया वर्ब ही हो गया और इस वर्ब का पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही हो गया तो यह रहा हमारा सब्जेक्ट ये रहा हमारा वर्ब ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट तो so, हम क्या करें कैसे पैसे बनाएंगे तो ही सेज ही सेट ही डिड दैट देखो दो तरीके इसको बनाने के एक तो ऐसा दैट ही डिड दैट इज सेड बाय हिम एक तो तरीका ये है कि हमने पूरे ही सेंटेंस को क्या मान लिया ये पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट तो पहले रख लिया और उसको पैसे एक तरीका और हम इट बना लें इसको। हो जाएगा इट इज दैट ही डिड दैट एक तरीका ये भी हुआ इसका ठीक है इट इज सेड दैट ही डिड दैट तो ये भी पैसे बन गया हमारा लेकिन तीसरा तरीका एक और है इसका क्या ही सेज अब क्या करें हम इतने का पैसे बना लें, लेट ही डिट दैट तो दैट को इधर लाओगे और ये दैट कंजंक्शन रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ही सेज दैट एक तो कंजंक्शन हो गया और ये जो ऑब्जेक्ट था इसको उठा के इधर ले आए, ही सेज दैट दैट वॉज डन बाय ही का क्या हो जाएगा हिम तो एक तरीका ये भी बन सकता है इसका तो so, देख लेते हैं क्या आंसर तरीका है हमारे पास देखो जहां पर दो दैट होंगे वही आंसर होगा देखो इसमें दो दैट नहीं है इसमें दो दैट नहीं है इसमें दो नहीं है। देखो ये रहा ही सेज़ दैट ये होगा ही सेज़ दैट दैट इज़ डन बाय हिम बस यहां पर गलती क्या कर दी है इसने इज नहीं लगाना चाहिए वॉज होना चाहिए क्योंकि डेड है ना डेड पास्ट है तो पास्ट की बी फॉर्म वॉज ही आएगी तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है ये राइटिंग मिस्टेक हो गई है इज की जगह वॉज होगा तो हमारा आंसर बन गया ही सेज़ दैट दैट वॉज डन बाय हिम तो ये भी हमारा पैसेव बन जाएगा तो तीन तरीके से पैसे हम इसका बना सकते हैं या तो पूरे सेंटेंस को ही उठा के ऑब्जेक्ट बना लो या उस सेंटेंस को इट मान लेते हैं और बाद में एज इट इज उस सेंटेंस को रख लेते हैं नहीं तो सिर्फ बाद वाले सेंटेंस का पैसेव हमने बना लिया जिसमें डबल दैट आ गया डबल दैट क्यों आ गया क्योंकि एक कंजंक्शन के रूप में वर्क करेगा और एक ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा तो एक कंजंक्शन हो गया और एक प्रोनाउन हो गया तो दो दैट क्या पाँच पाँच दैट भी एक साथ आ सकते हैं बशर्ते कि उन सब का पार्ट ऑफ स्पीच अलग होना चाहिए गॉट इट तो हमारा आंसर है ये तो so, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इसको मिस्टेक ना माने यहां इसकी जगह हमने वॉज लिख ली ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर फोर जम्बल सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर चलो देख लेते हैं दिस काइंडनेस कन्वर्टेड इज तो ये पहला सेंटेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे पहले कोई बात हुई है ही एंड हिज वाइफ वर ऑलवेज रेडी टू अब ही एंड हिज के भी पहले कोई बात हुई होगी ही और हिज कौन है मोहन वॉज तो ये मोहन सबसे पहला हमारा सेंटेंस हो गया सी से शुरू होने वाला सेंटेंस हो गया अब ये दोनों तो आंसर बन नहीं सकते हमारे या तो सी बी डी ए होगा नहीं तो सी डी ए भी होगा तो आप सिर्फ ये देख लें कि मोहन के बाद वाला सेंटेंस कौन सा है तो हमें आंसर मिल जाएगा मोहन वॉज एन आइडियल लेबर इन एवरीवेयर ही एंड हिज वाइफ वर ऑलवेज रेडी टू लैंड अ हेल्पिंग हैंड तो सी के बाद बी है हमारा तो ये हो गया हमारा आंसर सी बी डी ए पढ़ के देख लो मोहन वॉज एन आइडियल लेबर इन एवरी एवरी वे ही एंड हिज वाइफ वर ऑलवेज रेडी टू लैंड अ हेल्पिंग हैंड

तो एल्डरिच वर्ड आपने आपसे पहले नहीं पढ़ा होगा लेकिन एल्डरिच का मतलब होता है एक तरीके से ड्रावना ईरी यानी कि मतलब स्पूफी ठीक है तो ईरी इसका वर्ड होता है सॉरी इसने क्या पूछा है एंटोनिम पूछा है मैं सिनोनिम बता रहा हूँ एंटोनिम पूछा है तो ईरी इसका सिनोनिम होता है वियर्ड इसका सिनोनिम होता है स्पूकी इसका सिनोनिम होता है तो ये तीनों आंसर नहीं हो सकते एल्ड्रिच का जो अपोजिट बनेगा वो नॉर्मल बनेगा सो so, एल्ड्रिच का जो हमारा एंटोनिम है दैट इज नॉर्मल नेक्स्ट वर्ट आई सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स वन हु हुट्स टू मच एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसको क्या कहते हैं तो ये आपको ऑब्वियसली पता होगा ऑबेस तो नहीं कहते ऑबेस का मतलब मोटा होता है कॉर्पिलेंट का मतलब भी मोटा होता है ओवरवेट का मतलब भी मोटा होता है ग्लेटन वर्ड होता है उसके लिए जो बहुत ज़्यादा खाता है ज़रूरी नहीं है वो मोटा होगा ठीक है लेकिन इन तीनों का मतलब मोटा होता है ग्लेटन का मतलब होता है जो बहुत खाता हो खान पेटू हो अब पेट जो मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मोटे ही होंगे ऐसे मैंने बहुत से बंदे देखे जो पतले होते हैं और खाते बहुत ज़्यादा हैं सो so, ग्लटन का मतलब है जो बहुत ज़्यादा खाता है नेक्स्ट वर्ड आइडेंटिफाई द मोस्ट एपरेट ऑप्शन मतलब आपको अंडरलाइन वर्ड के लिए सही ऑप्शन चुनना है सो द हायर यू क्लाइम द कोल्डेस्ट यू फील तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरीके का फ्रेज आएगा तो so, यहाँ पर क्या होता है हमारा इस तरीके के सेंटेंसेस में दोनों तरफ क्या आती है हमारी कंपेरेटिव डिग्री आती है पहली बात यह ध्यान रखें और कंपेरेटिव डिग्री के साथ दा आता है ठीक है ये आर्टिकल का हमारा कॉन्सेप्ट है तो कभी आ, मैंने कभी कोई वीडियो अगर आर्टिकल पे बताई तो उसमें मैं क्लियर करूंगा आपको तो अगर यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है तो यहाँ पर भी कंपेरेटिव डिग्री होनी चाहिए तो ये कोल्डर होना चाहिए ये रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव डिग्रीज को शो करते हैं तो अगर ये जितना हाई जाएगा ये भी उतना ही हाई जाएगा ठीक है सो so, ये होता है हमारा तो ये हो जाएगा द हायर यू क्लाइम द कोल्डर यू फील तो द कोल्डर यू फील ये हमारा आंसर हो गया ऑडिट चलिए तो आज के मॉट आपका हमारा जो मॉक टेस्ट है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों तो so, लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ इन मॉक टेस्ट को आप कंटिन्यूसली हमारे साथ करिए एंड आई मेक यू श्योर कि भाई ये जब आप हमारे साथ करोगे तो आपको पेपर के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी तो so जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे मॉक टेस्ट में और भी लाने वाला हूं ठीक है चलिए करते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहां पर आपको सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है इसके लिए द मैथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड कह रहे टीचिंग करने के मैथड या उसके प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं फिलेटली नहीं फिलेटली होता है स्टेप्स इकट्ठे करने को कहते हैं पैटेगोजी क्या होता है हमारा प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग तो ये हमारा आंसर है ट्रेनिंग नहीं होगा और पेडियाट्रिक्स नहीं होगा पेडियाट्रिक्स जानते ही हो जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं पेडियाट्रिशियन होते हैं उनको कहते हैं सो so, हमारा ये आंसर है पेडोगलॉजी ठीक है तो चलिए ये था हमारा थर्ड मॉक टेस्ट नेक्स्ट वीडियो हम फोर्थ मॉक टेस्ट पे लेकर आने वाले हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसको शेयर भी करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग